हेलो गाइस, आज का हमारा न्यू वीडियो है रेड सॉस पास्ता। तो भाई रेड सॉस पास्ता मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो चलिए जानते हैं कि आज का ये जो रेड सॉस पास्ता है वो मैंने इंडियन स्टाइल में कैसे बनाया है। तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने के बाद में लहसुन भून लेंगे। लहसुन का कलर चेंज होने तक हम गार्लिक के टुकड़ों को भुनेंगे। ये मैंने यहाँ पर 10 से 12 कलियाँ गार्लिक ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। देखिए हमारा गार्लिक का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तब तक मैं एक बड़ा प्याज लेके उसको चॉप कर लेती हूँ। मेरे पास ये चॉपर था तो मैंने प्याज चॉप कर लिया है। अभी मैं प्याज को भी प्याज का कलर चेंज होने तक उसको भून लूँगी। ये देखिए हमारा लहसुन का कलर भी चेंज हो गया है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो प्याज को भी हमें थोड़ा सा और भून लेना है। ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, मैंने करीबन 4 से 5 टमाटर लिए थे, क्योंकि रेड सॉस में है टमाटर बहुत ही ज़रूरी है। तो टमाटर की प्यूरी को हम अच्छे से पकाएंगे, कुक करेंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें टमाटर की प्यूरी को तब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो तेल है वो ऊपर दिखाई देने लग जाए और टमाटर का पानी जो है वो कम हो जाए। मैंने नमक डाल दिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैंने काली मिर्च पाउडर डाली है। टमाटर की प्यूरी जब तक पक कर तैयार होती है तब तक हम हमारे पास्ता जो है वो बॉईल कर लेते हैं। ये मैंने पानी चढ़ा दिया है। ये मैंने लिया है पास्ता। ये मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने डाल दिया रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल इसलिए डालते हैं ताकि हमारे पास्ता जो है वो आपस में चिपके ना और हमारे पास्ता खुले खुले बने। मिक्स कर लिया है। पानी गर्म होने के बाद में मैंने पास्ता डाल दिया है और पास्ता को हम सॉफ्ट होने तक बॉईल करेंगे। देखिए हमारे पास्ता सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है और हमारे टमाटर की प्यूरी पक चुकी है और अभी ये पास्ता है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे पास्ता को। ये मैंने लिया है फन फूड का पिज्ज़ा सॉस, तो मैंने 2 चम्मच डाले हैं। मिक्स करेंगे। चिल्ली फ्लेक्स थोड़े से डालूंगी। ये देखिए हमारे पास्ता जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा न्यू वीडियो सबसे पहले मिले।